वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स दिस इज मी सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास इलेवेंथ का पेंटिंग का यूनिट नंबर थ्री दैट इज टेंपल स्ट्रक्चर्स ब्रोंस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स ये आपके जो चैप्टर इसका पार्ट वन वीडियो है इसके बाद दो और पार्ट्स आएंगे जिसमें हम लोग ब्रोंस और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे ये जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे हमारे इंडियन के जितने भी टेम्पल्स कल्चर्स थे उनके बारे में और तो और इसी के साथ साथ कि भाई कितने आपके टाइप्स के इंडियन टेंपल के स्कल्पचर्स बने हैं किस किस टाइम पे बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे फिर हम जो मेन फोकस करेंगे वो होगा हमारा सारे के सारे आपके टेंपल स्कल्पचर्स के बारे में जिसमें हम इन पांचों को सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं नंबर वन इज़ द डिसेंट ऑफ गंगा सेकेंड इज़ त्रिमूर्ति थर्ड वन इज़ लक्ष्मी नारायणा एंड फोर्थ वन इज़ सिम्बल प्लेयर एंड द लास्ट वन इज मदर एंड चाइल्ड इनको सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अगर कहीं आपको मतलब ऐसा लगे कि भाई जो टेम्पल स्कल्पचर्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसे टफ़ हो रहे हैं तो वैसे उनको इतना तो याद करने की ज़रूरत नहीं है उनको बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कितने टाइप के आपके टेम्पल के स्कल्पचर्स होते हैं लेकिन जो ये आपके पाँच के पाँच ये जो स्कल्पचर्स हैं इनको याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक फिर हम आते हैं आपके लाइक पार्ट बी पे तो इसमें हम लोग इंडियन ब्रोन्ज के जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और सॉलिड और हॉलो कास्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इनके बारे में जानेंगे फिर आते हैं आपकी लाइक मैंने आपको मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो पार्ट है ये आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है उसी के साथ-साथ जो नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो है आपका ये नटराज नटराज का लाइक आप ऐसा मानो कि ये आपसे पूछा ही पूछा जाता है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे थे जिसमें कि नटराज आपसे पूछा गया था एक आपसे पूछा गया था इंडस वाली सिविलाइजेशन और दूसरा आपसे पूछा गया था नटराज का क्वेश्चन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हम आते हैं आपके पार्ट सी पे जिसमें हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के बारे में जानेंगे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई इंड इंडो मतलब इंडियन और इस्लामिक मुस्लिम्स का जो आर्किटेक्चर दोनों का मिक्सचर बना करके कौन कौन से आर्किटेक्चर्स बनाए गए उनके बारे में और दो ही आपको पढ़ने हैं उसके जो हैं, the first one is आपका कुतुब जो जो हैं, आपका 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 दिल्ली में है, है, है? गोल गुंबद, जो कि आपका बीजापुर के अंदर ठीक इन इन सबको सबको हो जाएगा इन सब करने के बाद चलो भाई अपना फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं आपका इंटोडक्शन टू टेम्पल स्ट्रक्चर एक ही बात है ठीक है तो सबसे पहली चीज जो हमारे ये लाइक जितनी के आर्किटेक्चर्स वगैरह बने थे वो बने थे आपके एंशियंट से मिडि के टाइम पीरियड के दौरान आपके जितने भी स्कल्पचर्स आप देख रहे हो अभी ये सब भी सब के सब उसी के दौरान पे बनाए गए थे एंड इसी के साथ साथ आपके अब जो जितने भी टेम्पल्स आएंगे आके वो आपके बेसिकली मेजर तो दो टाइप्स पर डिवाइडेड हैं दैट इज़ आपका नागारा स्टाइल और दूसरा है आपका द्रवदा स्टाइल इन दोनों पे ही बेस्ड है लेकिन इसी के साथ साथ मतलब मान लो कि हाँ भाई थोड़ा सा और उन्होंने एडवांस कर दिया तो एक और निकल के आ गया वो है आपका ये वे स्टाइल ठीक है जो मेजर टाइप्स है वो है आपका यही नागारा दैट इज आपका नॉर्थ इंडियन टेम्पल के स्टाइल्स जितने भी आपके ऐसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं यहाँ वाले टेम्पल्स हैं वो आपका हो गया नागारा स्टाइल और द्रविदा स्टाइल इज़ जो आपके नीचे के टेम्पल्स हैं ये लाइक ये साउथ वाले जितने भी टेम्पल्स यहाँ पे आएंगे वो वाले ठीक है तो वो होगा आपके द्राविदा स्टाइल फिर हम आते हैं वेसारा स्टाइल वेसारा स्टाइल क्या है भाई जितने भी आपके लाइक डेकन रीजन जो है डेकन रीजन में पाए जाने वाले जितने भी आपके टेम्पल्स हैं वो हो गए आपके भाई क्या कौन से वेसारा स्टाइल चलो भाई अब हम आते हैं कि आपके नागारा स्टाइल में कौन कौन सी जगह आ जाती है नॉर्थ इंडिया आ गया फिर आपका आ गया वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया और इसके साथ साथ हिल्स ये सारे रिजन्स जो है वो आपके आ जाते हैं नागारा स्टाइल नागारा स्टाइल इज द नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल दरव स्टाइल्स में आते हैं तो भाई आपके जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं जैसे ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो ठीक है ये हो गया ये सब आपके हो गए कौन से साउथ इंडियन रावदा स्टाइल के टेम्पल्स ठीक और फिर हम आते हैं एट दी एंड वेसारा स्टाइल जो कि आपका डेकन रीजन में पाया जाता है वो हो गया आपके वेसारा स्टाइल ठीक दिस आपका ये भी हो गया नेक्स्ट हम बर्थ सॉरी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि भाई आपके जितने भी अर्ली टेम्पल्स होते थे अर्ली टेम्पल्स मतलब जब स्टार्टिंग साइड में जब टेम्पल्स बनना शुरू हुए तो सबसे ज़्यादा जितने भी टेम्पल्स उस टाइम पे बनाए जाते थे वो पुराणों से रिलेटेड मिथ्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी आपके गॉड से रिलेटेड चीज़ें होती थी ठीक है पहले तो स्टाइल्स में डिवाइडेड नहीं थी ना चीज़ें ठीक है क्योंकि पहले राजाओं महाराजाओं का उतना वो नहीं था तो सबसे पहले जितने भी जब बिल्कुल आप मान लो बहुत पहले की बात कर ले कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो उस टाइम पे जितने भी आपके टेंपल्स वगैरह बनाए जाते थे वो किसी न किसी मान्यता के द्वारा बनाए जाते थे आप बड़े बड़े टेंपल्स देख लो इंडिया के आज अगर देखते हो आप कोई भी अगर आप शिव टेंपल देखते हो कोई भी अगर आप गॉडेस दुर्गा को और किसी भी भगवान जी का आप टेम्पल देखते हो तो उनमें क्या देखते हो कि हाँ भाई बहुत टाइम से मतलब आप मान लो कि मतलब हजारों करोड़ों साल से वो टेम्पल्स बने हुए हैं तो उनके पीछे का मतलब क्या है कि हाँ वे वो किसी मिथ पे बने हुए हैं ठीक है कोई पुराना इसके अकॉर्डिंग बेस्ड है ठीक है इन सारी चीज़ों पर जितने भी टेम्पल्स वगैरह होते थे वो बने होते थे और इसी के साथ साथ जितने भी आपके इंडियन के स्कल्पचर्स आप जितने भी टेम्पल्स वगैरह देखेंगे उनमें ऑर्नामेंटेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तरह काम करता है ठीक है फिर हम आते हैं कि भाई अब टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता चले गए पहले आपके बनते थे रॉक कट केव टेम्पल्स बनाए जाते थे फिर आपके यूज रथ वगैरह बनाए जाते थे अगर हम अभी भी देखते हैं कि हाँ भाई साउथ इंडिया में ऐसे रथ यात्रा वगैरह बहुत निकलती हैं तो ऐसी चीज़ें होना टेम्पल्स के अकॉर्डिंग ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे टेम्पल्स का चेंज होना फिर और आगे टाइम बढ़ता चला गया तो लार्ज लार्ज स्कल्पचर्स वगैरह बनना शुरू हो गई ठीक फिर हम आते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तीन टाइप्स के टेम्पल जो है वो आपके डिवाइडेड हैं यहाँ पे उनकी एक छोटी छोटी फोटो है कि हाँ भाई नागारा स्टाइल देखो ऐसा दिखता था साउथ इंडिया में जो द्रव्यदा स्टाइल है वो ऐसा था और वेसारा स्टाइल जो दोनों का मिक्सचर है वो ऐसा दिखता था ठीक है चलो भाई सबसे पहले हम आते हैं आपके नागारा स्टाइल पे नागारा स्टाइल क्या है आपका ये जो पूरा का पूरा टेंपल होता था ये खाली और खाली बनते थे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा का पूरा टेम्पल यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर पिक्चर देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा जो आपका टेम्पल है ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है ठीक है और यहीं पे आपको लाइक जितना आपको चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं यही इसका मेन मतलब मोटो है जो आपको समझना है नागारा स्टाइल के अंदर जो टेम्पल्स होते थे तो उसमें होता क्या क्या था जैसे गर्भगृह हो गया ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है जो कि काम करता था फिर आपका ये हो गया जगती हो गया प्लेटफॉर्म जिसको बोलते थे ठीक है जो कलड़ कलर्ड वाली चीज़ें हैं आदिश थाना जो हो गया जो बेट मेन जो होता जो नागारा साइड के, के टेम्पल्स डिवाइड कर सकते थे हम लोग इसको आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई क्या तीन टाइप्स होते थे क्या है क्या नहीं है बट हाँ आपको पता होना चाहिए जो मेन बात है कि भाई वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर बना होता था जिसकी जो सीढ़ियाँ होती थी वो बिल्कुल ऊपर तक जाती थी ठीक है और आपको पता होना चाहिए इसमें गर्भगृह के बारे में कि गर्भगृह जो होता था वो टॉलेस्ट टावर के अंदर होता था इसी के साथ साथ जितने भी रूफ्स होते थे स्लैब्स होते थे वो एक पॉइंट तक जा रहे होते थे और किसी वॉल्टेड चैम्बर तक जा रहे होते थे बस लाइक आपको ऐसे तीन डिविजन याद करने की भले ही ज़रूरत नहीं है हम बट हाँ आपको ये याद करने की जरूरत है कि अगर नागारा स्टाइल मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं उसमें ये स्टोन प्लेटफॉर्म ठीक है फिर मैं उसमें गर्भगृह का पॉइंट फिर ये जो आपका राइजिंग टू अ सिंगल पॉइंट तक जाने वाला फिर आपका देखते हैं रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने ही रखने हैं अगर आप प्रॉपर अपना नागारा साइल लिख रहे हो और तो और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप अपना नागारा स्टाइल के बारे में लिख रहे हो तो एक ही सिंगल टावर होता था पूरी की पूरी जो बिल्डिंग होती थी ना उसमें एक ही ऐसा टॉप मोस्ट टावर होता था ठीक है वो दस आपका यही था आपका छोटा सा नागारा सेल की हाँ भाई आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही सिंगल बिल्कुल टावर है जो सारी बिल्डिंग्स में से दिखाई हमें दे रहा है नगारा सेल के अंदर फिर हम आते हैं जो आपको अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नगारा सेल के अंदर वो क्या है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी तो भाई ये मैंने आपको सीधे सीधे डायरेक्ट जगह बता दी है कि हाँ भाई इन इन जगहों पे पाई जाती थी अगर मैं आपको मैंने डिवाइड करके बताया था इससे पहले भी कि जितने भी आपके लाइक जो पूरा का पूरा नागारा स्टाइल है वो बहुत अलग अलग जगहों में डिवाइडेड है कि हिल्स हो गया सेंट्रल इंडिया वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया इन सब जगहों में डिवाइडेड है तो इसी के साथ साथ अब हिल्स में कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी सेंट्रल इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी वेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पर और ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पर ठीक है बट ऑफकोर्स ये बात अब इतना सब कैसे याद रहेगा कि भाई हिल्स में गढ़वाल हिमाचल प्रदेश कश्मीर अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है आप दोनों में से कुछ एक चीज़ लिख सकते हो फॉर एक्जाम्पल लेते हैं मैंने आपको भी बताया कि आप क्या क्या लिख सकते हो सब सपोज करते हैं आ गया ठीक है आप हिल्स हम रख सकते हो कि हाँ भाई हिल्स में पेंद्र जो है ये टेम्पल का नाम है ये कहां पे है कश्मीर कश्मीर में जो है वो पाया गया है ठीक है कश्मीर में पाया गया है ये भाई हमने पता चला कि हाँ भाई हिल्स में यहाँ पे पाया जा रहा है फिर हम आते हैं सेंट्रल इंडिया पे सेंट्रल इंडिया में आपका कहाँ पे पाया गया है भाई देवघर यूपी के अंदर आपका पाया गया है फिर वेस्ट इंडिया में सन टेम्पल जो है ये गुजरात में वहाँ है और ईस्ट इंडिया के अंदर टेरा टेम्पल बंगाल के अंदर ये पाया गया है ठीक है अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रह रही हैं दैट इज अगर ये सारी चीज़ें आपको ये वाले वर्ड्स याद नहीं रह रहे हैं तो आप खाली इनसे काम चला करके आ सकते हो ठीक है चलो भाई यहाँ पे भी आपको मैंने छोटा सा दिखा दिया है कि अगर आपको लाइक थोड़ा थोड़ा याद रहे अगर ये सब स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है वरना तो भाई बता दें कि हाँ ये गर्भगृह होता है ये मंडपा होता है ये शिकारा होता है तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको नंगारा स्टाइल में जो टेम्पल्स होते थे इनमें दिखाई जाती थी ठीक नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके द्रविदा स्टाइल पे। पर स्टाइल उससे बिल्कुल ऑपोजिट था और ये साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते थे ठीक है आपके जितना भी जो द्रविद्रा स्टाइल का जो टेंपल्स वगैरह होते थे वो होते थे कंपाउंड वॉल से ये देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसे कंपाउंड वॉल ऐसे जो वॉल जा रही है यहाँ पे ऐसे कंपाउंड वॉल से पूरे के पूरे जो टेम्पल स्ट्रक्चर्स होता था वो ऐसे घिरा रहता था ठीक है यहाँ पे गोपुरम दैट इज आपका एंट्रेंस एंट्रेंस यहीं पे होता था फिर आपके पिलर्स वगैरह हॉल्स आ जाते थे वाटर टैंक आ जाना फिर आपको ये प्रॉपर जो हाँ पे जहाँ पे मेन जो पूजा करने का जो स्थल होता है जो इनर संगटम होता है वहाँ आ जाते थे ये आउटर वॉल हो गया तो ये सब क्या है ये सब अलग अलग आपकी जगह है जहाँ की हाँ भाई ये द्रव्यारल का टेम्पल का स्ट्रक्चर ऐसा होता था ठीक है फिर हम आते हैं कि भाई जो मोस्ट फेमस कुछ टेम्पल्स है जैसे हमने लास्ट वाले में बड़ा था नागारा साइड में तो आपका हिली एरिया वगैरह हो गया था सेंट्रल इंडिया एंड ये सब जगह थी तो यहाँ पे कौन कौन सी है भाई कांचीपुरम तेंजोर मदुराई कुंभ कानम और इसी के साथ साथ जो मोस्ट फेमस टेम्पल्स है वो आपके हैं तमिलनाडु के अंदर ठीक है अब इसमें कुछ याद नहीं रहे तो आपको क्या लिख के आना है कि भाई हाँ आ, सबसे इजी नाम ले लेते हैं यहाँ पे तंजोल और कांचीपुरम लाइक like, कांचीपुरम जैसे आप बोल रहे हो वैसे आप आराम से लिख भी सकते हो कांचीपुरम ठीक है कांची और जो मोस्ट फेमस टेम्पल्स है भाई वो तमिलनाडु के अंदर पाए जाते थे बस इतना ही इज़ मोर देन एनफ मुझे पता है अगर ये दोनों नाम नहीं याद रहते तो इट्स ओके okay. कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है फिर हम आते हैं कि भाई जो आपके जो द्रविड़ा सेल के जो टेम्पल्स हैं ना वो आपके पांच डिफरेंट शेप्स में बनते थे ठीक है अब आपको ये जो नीचे के नाम है गजा पृष्ठा वेठा कुटा शाला आशा ये सब जो, जो अलग अलग नाम है ये अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इट्स ओके आप खाली जो इनके नॉर्मल आपके मैथमेटिकल नेम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आप खाली वो भी लिख के आ जाओगे तो दैट इज मोर देन इनफ एलिप्टिकल हो गया सर्कुलर ऑक्टागनल स्क्वायर रेक्टेंगुलर बस इतना ही इज़ मोर देन इनफ वैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि लिख के आ जाओगे लिख के आ जाओगे तो वे मतलब तो ऐसे नहीं कि ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा बट हाँ लेट्स टेक कि हम दस परसेंट उसका चांस ले लेते हैं कि क्या पता अगर आ जाए तो ओके okay. फिर हम आते हैं इसके वेारा स्टाइल पे वेारा स्टाइल इज द आर्किटेक्चर इन द डेंड के जो एरिया है वहाँ पे आपके जितने भी टेम्पल्स बनते थे वो हो गए आपका वेसारा स्टाइल फिर आते हैं हाइब्रिड स्टाइल हाइब्रिड स्टाइल आपके दो जो आपके द्रविदा हो गया और नागारा स्टाइल हो गया उसको मिला करके बनाना आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ भाई वो वैसारा स्टाइल के टेम्पल्स होते थे और ये कब पॉपुलर हुए मिड सेवन्थ सेंचुरी के बाद ही पॉपुलर होना और शुरू हो गए ठीक है सदन पाउस ऑफ तो द डेक्कन एरिया के आसपास पाए जाते थे और ये जो टेम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये टेम्पल बदमी है ये विसारा शैल पे ही बना हुआ है ठीक है विद दिस आपके हमने जो तीन टाइप के टेम्पल्स हैं वो सबके सब देख लिए हैं अब हम आते हैं सर एकॉानोग्राफ़ी एक छोटा सा टर्म है बस कि एकानोग्राफी होता है क्या क्या पता आपसे लाइक जो वन मार्कर्स है उसमें पूछ दिया कर दो ठीक है तो एकनोगोग्राफी आप देखो जितने भी आपने टेम्पल्स आपने आज तक अपने लाइफ में विजिट किए हैं आपने कहीं ना कहीं पर ऐसे आगे स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे होंगे जहाँ पर ऐसे लाइक ऐसे घोड़े बना रखे हैं या फिर छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रखे हैं ठीक है ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रखे हैं ये सारी चीज़ें तो ये सब क्या है ये आइकोनोग्राफर ये सब इनको दिखाना डिटीज को गॉड्स वगैरह को दिखाना इन सबको दिखाना देख रहे हर एक जगह पे कुछ ना कुछ बना रखा है इन लोगों ने तो यही चीज़ है इसी को बोलते हैं आइकोनोग्राफी दिखाना मैथोलॉजिकल और सिंबल्स वगैरह को दिखाना ठीक है इसके साथ साथ अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे एलाबोरेटेड बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाते थे एग्जांपल्स देते हैं अगर हम लोग नागारा शैल के टेंपल्स का तो नागारा शैल के टेम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं गंगा और यमुना की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नागारा शैल के टेम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो द्राविदा शहल के टेम्पल्स में हम लोग द्वार पालास द्वार पालास अगर कोई गेट है ऐसे गेट के स्टार्टिंग में जो द्वार पालास होते हैं ना उनको बोलते हैं द्वार पालस तो उनके बारे में लाइक उनको दिखाना जो ड्रव्यार सेल के टेम्पल्स होते थे उसमें बहुत ज़्यादा ही एलाबोरेटेड तरीके से दिखाए गए हैं ठीक है ओके अब हम आते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ये जो आपको हम नेक्स्ट स्कल्पचर्स पढ़ने वाले हैं अब उनके बारे में आपका लाइक ये प्रॉपर एक आंसर बनेगा अब आंसर कैसे बनेगा अगर आप कोई भी आंसर आपसे पूछते हैं कि भाई डिसेंट ऑफ गंगा के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिख करके आना है ठीक है लाइक like, अगर आपसे पूछ दे कि भाई डिस्क्राइब डिसेंट ऑफ गंगा तो उसका आंसर कैसे लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे इसका नेम डिसेंट ऑफ गंगा फिर पीरियड सेवन सेंचुरी ये डी सर का लिखना है नहीं लिखना यू नो लिखनाशूज फिर हाँ डायनेस्टी ले कि भाई किसके जो पीरियड के दौरान जो है आपके स्कल्पचर फ्रेम बना था ठीक है फिर हम लिखेंगे इसका मीडियम भाई वो किस चीज से बना हुआ है फिर कलेक्शन मतलब कि वो अभी कहाँ पे है अभी कहाँ पे स्टोर्ड है वो दैट इज़ महाबलीपुरम तमिलनाडु और फिर आप उसका इसका डिस्क्रिप्शन जो आगा आएगा आपके नेक्स्ट में आपको जो पढ़ाऊंगी भी फिर हम वो लिखेंगे फिर हम किसी की कर्ट कि से भाई ये कैसे फाइंड आउट हुआ किसने फाइंड आउट किया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है उसने फाइंड आउट किया अब हम आते हैं कि भाई अगर चीज़ भूल जाऊँ दो चीज़ भूल जाऊँ बिकॉज इतना सब कुछ याद करना है तो कोई दिक्कत हो जाए कि कोई बात नहीं एक दो चीज़ें भूल जाओगे तो इट्स ओके बट अगर इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास छह चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे छः यहाँ पे आपको पांच दिखाई दे रही है फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको लाइक इसके बाद जो तो आपको पता करना है वो होगा आपका थीम और सब्जेक्ट मैटर कि भाई जैसे वंगा है क्या एक्चुअली में फिर इसका डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अगर एक दो चीज़ें भूल भी जाते हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पर कोशिश पूरी करो कि आपको सारी से चीज़े सारी चीज़ें याद आए जिससे कि एक भी नंबर कटने के हम चांसेस नहीं देंगे टीचर्स को ठीक है चलो भाई अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसेंट ऑफ गंगा के बारे में कि ये है क्या ये जो पूरी की पूरी पेंटिंग है ये स्कल्पचर है ये है क्या इसको एक बार आप लोग जूम करके लाइक ऐसे ध्यान से देख लो कि इसके अंदर बताना क्या चाह रहे हैं इस पेंटिंग इस स्कल्पचर के अंदर ठीक है ओके सबसे पहले कि भाई यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फॉल ऑफ द गंगा रिवर्स यहाँ से ये यह जो जगह देख रहे हो यहाँ से जो गंगा रिवर है वो यहाँ से फॉल आ रही है फ्रॉम द हेवन कहाँ से हेवन से उड़ जो गंगा है वो आ रही है यहाँ पे इस जगह पे ठीक है तो उसके बारे में ये डिसेंट ऑफ गंगा डिसेंट मतलब बह रही है गंगा तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा आपका स्कल्पचर है ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हाँ भाई जो इसको एज अ फ्रेस्को पेंटिंग इन द स्टोन भी बोला जाता है क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स अगर आप इसमें फोकस करोगे ध्यान से तो बहुत सारी ही माइन्यूट माइन्यूट इट्स में डिटेल्स है इस वजह से इसको फ्रेस्को पेंटिंग इन स्टोन भी बोला गया है इसी के साथ साथ प्रॉपर वॉल्यूम है प्रोपोर्शन है डेप्थ है सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से दिखाई गई है ठीक फिर हम देखते हैं कि भाई सेवन से एटथ सेंचुरी के टाइम पे इस पूरी की पूरी जो स्कल्पचर है उसको बनाया गया है और ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि हाँ भाई कहाँ पे इसका कलेक्शन दैट इज आपका महाबलीपुरम मद्रास चेन्नई के अंदर इसका कलेक्शन रखा हुआ है यह होगा आपको छोटा सा कि हाँ भाई डिसेंट ऑफ गंगा हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन अब हम आते हैं इसके प्रॉपर इसके जो डिटेल्ड हमें बतानी है सारी चीज़ें उनके बारे में ठीक है सबसे पहले हम आते हैं कि भाई ये क्या है अगर आप यहाँ पे इसके जो सॉरी अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे इस जगह पे अब तो यहाँ पे आप देख रख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे एक, एक नागराज हैं और उनकी वाइफ भी यहीं पे है ठीक है तो ये इस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से जो गंगा जी हैं जो गंगा है वो बह करके नीचे आ रही है ठीक है एंड इसी के साथ एंड इसी के साथ साथ जो गंगा है जब वो बह के आ रही है ना नीचे तो जितने भी यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं दोनों ही साइड को उन्होंने अपने कान जो है ना वो ऐसे बंद कर लिए हैं कि भाई वो तो सुन नहीं पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही रोर हो रहा है शोर हो रहा है जिससे गंगा जो है वो ऊपर से ऐसे नीचे उतर करके आ रही है ठीक है तो बस इतना ही ईयर्स कवर होल्डिंग हैंड्स वैसे वो बिल्कुल डर गए हैं कि इतनी भयानक तेज से रिवर की जो साउंड है वो आ रही है कभी किसी झरने के पास जाओगे ना वाटर वाटर किसी वाटरफॉल झरना वाटरफॉल किसी ऐसे बहते हुए पानी के पास जाओगे तो हर एक जगहों पे आप ऐसे देख सकते हो जहाँ से भी रिवर वाटर ऐसे फॉल आउट हो रहा है वहाँ पे ऐसी बहुत ही हाई और तेज साउंड होती ही होती है ठीक है ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई जितने भी इसमें ह्यूमन फिगर्स है उस पर फोकस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे जो एनिमल्स दिख रहे हैं उनके ऊपर ठीक है ह्यूमन फिगर्स में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि भागी रथा ये अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे ये ठीक है अब हम लोग जो बुरी की बुरी बात करेंगे वो इस एरिया के बारे में बात करेंगे ठीक है भागीरथ जो है वो एक टांग के ऊपर खड़े हुए हैं बिल्कुल ये एक टांग के ऊपर खड़े हुए हैं और प्रे कर रहे हैं कि से शिवजी से जो कि वरदान मुद्रा में खड़े हैं जो तो कि वरदान मुद्रा में उनको ऐसे वरदान दे रहे हैं ठीक है थेके? उसके बाद देख सकते हैं भाई पावरफुल ग्रुप ऑफ योगीज योगीज का पावरफुल ग्रुप भी है वो यहीं पे आसपास जो है वो प्रे कर रहा है वो स्मॉल पल्लावार टेम्पल जो है उसके बारे में दिखा रहे हैं ठीक है और हमने ऑलरेडी इनके बारे में बता दिया कि हाँ भाई ये लोग तो अपने कान ऐसे बिल्कुल कान से पकड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग डर गए हैं जब गंगा ऊपर से नीचे बह रही है तो ठीक है बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के अंदर और इसी के साथ साथ काफ़ी सारा माइन्यू डिटेलिंग भी है इसके अंदर ठीक है अब हम आते हैं इसके एनिमल के फिगर्स के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है आपका स्कल्पचर्स इसलिए ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना ओके okay. फिर हम आते हैं अब यहाँ पे कितने एनिमल्स दिखाए गए हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ते हैं इस हाथी की पूरे फैमिली के ऊपर ठीक है तो हाथी की फैमिली में क्या देखते हैं प्रॉपर एक जॉइंट मेल है आ, यहाँ पे ठीक है जॉइंट मेल है और इसी के साथ साथ स्मॉलर फीमेल जो है वो भी पीछे पीछे आ रही हैं उनके और छोटा एक बेबी एलिफेंट भी है वहाँ पे ठीक है ये हम जॉइंट पूरे मेल की फैमिली देख रहे हैं फिर हम देख रहे हैं कि भाई दो लॉयस भी है जो गार्ड कर रहे हैं पूरे के पूरे आपका जो ये लाइक स्कल्पचर है उसको एज अ गार्डियंस है एज एंट्रेंस पे गार्डियंस का काम कर रहे हैं फिर हम देख सकते हैं अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स भी इसी के अंदर फ्रेम कर रखे हैं दैट इज आपका हो गया मंगी डियर और वाइल्ड एनिमल्स उनको भी दिखाया गया है इस पूरी की पूरी स्कल्पचर के अंदर फिर हम देखते हैं कि भाई एक छोटा सा कैट और वन लेग वाला जो माउस है ना वो भी वहीं पर खेल रहे हैं अभी देखेंगे कहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये रहे। ठीक है तो यहीं पे वो है लाइक एक माउस और कैट है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके पूरे जितने भी एनिमल के स्कल्पचर्स हैं वो इस पेंटिंग के अंदर दिखाई दिए गए हैं ठीक है और ये जो पूरी की पूरी आपकी जो स्टोरी है वो क्या दिखा रही है कि बहुत सारे क्राउडेड फिगर्स हैं प्रॉपर कंप्लीट पोजिशन है ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है ऐसा इसके अंदर बताया गया है जो आपके डिसेंट ऑफ गंगा का स्कल्पचर है ठीक फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं त्रिमूर्ति के ऊपर त्रिमूर्ति भाई आपको सबसे पहले उसका वो डिस्क्रिप्शन लिखना है जो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें आपको मैंने सारे के सारे ये बताया थे ठीक है आप जब भी आप स्टार्ट करोगे हर एक पेंटिंग से पहले आपको ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक फिर हम आते हैं कि त्रिमूर्ति का तो ये शिव जी के बारे में दिखाया गया है ये आपको जो पूरा का पूरा स्कल्पचर है इसमें हम लोग देख रहे हैं थ्री फेस स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड शिवा लॉर्ड शिवा के हम लोग तीन स्कल्पचर्स देख सकते हैं एक दो और तीन तीन स्कल्पर्स हम लोग देख सकते हैं इनके एंड ये कब कहाँ पर पाया गया है केव ऑफ एलिफेंटा के, के केव्स में इसको पाया गया है और ये हिंदू हिंदूज़्म का जो सिंबल है वो दिखाता है ठीक है अब जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाँ भाई उनके तीन फेसेस हैं बस इसके बारे में ही आपको बताना है इस जो है उसके अंदर तो उनका राइट फेस है अब राइट फेस में हम लोग क्या देख सकते हैं भैरवा अघोला भैरवा के बारे में टेम बहुत ज्यादा टेरिबल एंग्री और मैनिफेस्टेशन जो है वो हमें चेहरे पे दिखाई दे रहा है ठीक है ये वाला ठीक है फिर हम आते हैं कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है इनके चेहरे पे वैदिक वगैरह दिखाई दे रहा है कि भाई इतना गुस्सा आता है शिव जी को कि भाई वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को वो निगल सकते हैं सॉलो कर सकते हैं बिल्कुल गुस्से में आकर के और इसी के साथ साथ भाई राख छोड़ेंगे सिर्फ पीछे ठीक है आप सबको पता है कि तीसरे नेत्र खुल जाता है शिव जी का एंड वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं जो तो सब के सब जो हैं वो इस बात से बिल्कुल ही बिल्कुल वाकिफ़ हैं ठीक है तो उसी के बारे में दिखाया गया है इस वाले स्कल्पचर के अंदर लाइक ये वाला साइड के अंदर ठीक है और दिखाते हैं कि भाई ये यंग मैन है मुस्ट और मतलब मूँछे वूँचे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में है यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो ये मूँ भी है यहीं पे ठीक है फिर हम आते हैं इनके सेंट्रल फेस के ऊपर इस वाले फेस के ऊपर ठीक है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मेडिटेटिव एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि पता चल रहा है हम इनकी आँखें हैं जो वो क्लोज हैं शिव जी की आँखें हैं वो बिल्कुल ऐसे क्लोज है फिर शिवा को एज़ ए योगी की तरह दिखाया गया भाई मेडिटेटिव है तो ऑफकोर्स ये बताया एज ए योगी की तरह दिखाया गया है योगेश्वर नाम दिया है और इसी के साथ साथ वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई प्रॉपर क्योंकि अब वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं तो वो प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी को दर्शा रहे हैं ठीक आते हैं इनके लेफ्ट फेस पे ठीक है तो लेफ्ट फेस पे हम लोग क्या देख सकते हैं लेफ्ट फेस इज दस वाला इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई फेमनाइन एस्पेक्ट जो है वो शिव जी की शक्ति का मतलब कि पार्वती जी का जो है वो दिखाया जा रहा है हमें पता है कि भाई जो लॉर्ड शिवा के जो है उनको जानते हैं अर्धनारेश्वर के नाम से आधा इज फॉर शिवा एंड आधा इज फॉर शक्ति ठीक है उस नाम से हम लोग जानते हैं शिव शिव जी को भी तो इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं कि भाई वो प्रॉपर कनेक्टेड है अपने शिव जी, पार्वती जी से अटोर्नोली कनेक्टेड है शक्ति से और बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में भी ठीक है बहुत फॉर्म्स है शिव जी का और पार्वती के एक साथ में और इसी फिर हम लोग देखते हैं कि भाई सेंसस लिप्स है सिम्बलाइजिंग लाइफ एंड एन एनर्जी है जो इस पेंटिंग के अंदर हमें दिखाई दे रहा है ठीक और जो छोटी सी चीज है अब ध्यान देना यहाँ पे यहाँ पे लोटस बर्ड भी है ठीक है राइट हैंड में और उनका ऐसे ब्रोकन है ब्रोकन है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में उसके उनके मतुंगा है मतुंगा इज अ काइंड ऑफ अ फ्रूट ठीक है तो यहाँ पे तीन ऐसे ठीक है तो ऐसे तीन घर के लाइक अलग अलग टाइप के जो हैंड्स हैं इनमें तीन अगर सर हैं ऐसे तो तीन उनके हैंड्स भी हैं ठीक है और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है इसकी कि बिल्कुल सॉफ्ट भी दिखाया है सॉफ्ट भी दिखाया है काम भी दिखाया है और एंग्री भी सारी की सारी चीज़ें चीजें हैं वो इसके अंदर दिखाई गई हैं एक ही स्कल्पचर के अंदर फिर हम आते हैं लक्ष्मी नारायणा जो स्कल्पचर है उसके ऊपर ओके okay. इस वाले स्कल्पचर में हम देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल डिवाइन लव देख सकते हैं किसके बीच में लक्ष्मी जी के बीच में और नारायण जी के बीच में ठीक है अगेन ने गॉड के परस्पेक्टिव से ही आपके जो ये स्कल्पचर है वो बनाया गया है सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई जो विष्णु और लक्ष्मी जी के बारे में हम इस स्कल्पचर के अंदर देख रहे हैं और तो और वैकुंठा के अंदर वैकुंठा इस जहाँ पर विष्णु जी रहते हैं उनके घर को वैकुंठा बोला गया है ठीक है और हम फिर देख रहे हैं कि भाई जो विष्णु जी हैं और जो लक्ष्मी जी हैं वो ये जो स्कल्पचर है ये एक टेम्पल के कॉरिडोर में है मतलब कि जब आप किसी टेम्पल के रास्ते में जा रहे हो ठीक है रास्ते के जा रहे हो वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं तो उसमें से एक कॉरिडोर में जो है जो मूर्ति आप देख रहे हो स्कल्पचर देख रहे हो वो बनाई गई है ठीक है बहुत आइकोनोग्राफी जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि अलग अलग बहुत सारी चीजें जो हैं वो दिखाई गई हैं इसी स्कल्पचर के अंदर इसी के साथ साथ विष्णु जी को के बहुत केयरफुली दिखाया गया है लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के बिल्कुल साथ खड़ी हुई हैं और तो और नारायण जी, जी जो हैं उन्होंने विष्णु लक्ष्मी जी को पकड़ा हुआ है और ये दिखा के रहे हैं ये दोनों स्कल्पचर कल्पचर दिखा के रहे हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन जो रिलेशन है उसको दिखा रहे हैं फिर हम आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ही ग्रांडली और गॉडली जो लुक है उसको दिखाया गया है क्योंकि आसपास अगर आप फोकस करोगे नोटिस करोगे तो सबके हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा एक गॉडली और ग्रांड चीज़ों को दिखाया गया है एंड इसी के साथ साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर अब आप आपको तारीफ़ करने की भाई जो इतना सुंदर उन्होंने स्कल्पचर बनाया है उस टाइम का स्कल्पचर है भैया तो उनकी तारीफ करने के भाई बिल्कुल टिपिकल फीचर्स है स्टाइलाइज मैनर में है शार बिल्कुल जो नोज़ वगैरह है वो बहुत अच्छी बनाई गई है सारे जो स्कल्पर्स है उनकी प्रोमिनेंट उनके चिंस भी दिख रहे हैं और जितनी भी आई आईज हैं आईब्रोज वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं और जितने हैं जो जो पूरा का पूरा स्कल्पचर है बिल्कुल सराउंडिंग से हमें अलग पता चल रहा है ठीक है बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई हुई है इन लोग जो स्कल्पचर के आपके आर्टिस्ट हैं उन्होंने ठीक है फिर हम आते हैं आपके सेकंड लास्ट पेंटिंग पे जितना स्क्रीन पे है बस यही है आपका इस वाले स्कल्पचर के अंदर कि इंस्ट्रूमेंट उसको प्ले कर रही हैं ठीक है और इसी के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सिम्बल जो इंस्ट्रूमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसका नाम है सिम्बल ठीक है एंड जो फीमेल म्यूजिशियन है जिनमें जो सिम्बल प्लेयर पे ऐसे तक बजा रही हैं स्किल्स अपने प्रॉपरली स्किल्स को दिखा रही हैं और तो और इंडियन ब्यूटी का ही बहुत ही फीमेल लाइक परफेक्ट एग्जांपल है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना इस चीज़ को ठीक है तो इंडियन ब्यूटी का बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल है ये इसके साथ साथ एक लेग जो वो ऐसे बेंट है ठीक है ऐसे बेंट है और प्रॉपर ऐसे स्पेस है ऐसे नीज के बीच में आप देख रहे हो तो प्रॉपर स्पेस भी है इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई जो है उन्होंने ऐसे सिंबल पकड़ा हुआ है ऑलरेडी देख लिया उनके कान में इयर रिंग्स हैं हाथ में ऐसे ब्रेसलेट्स हैं फिर आमलेट्स वगैरह भी पहने हुए हैं उन्होंने और तो और प्रॉपर ऐसे लॉयन क्लोथ्स जो क्लोथ आप यहाँ पे देख रहे हो अभी पहना हुआ है इसको बोलते हैं लॉयन क्लोथ ठीक है और जो फेस है वो प्रॉपर राउंड फेस है प्रॉपर ऐसे आग्ड आईब्रोज हैं आग्ड यहाँ पे आईब्रोज हैं वैसे प्रॉपर आग्ड आईब्रोज हैं ठीक है ये सारी चीजें कुछ हैं जो आपको फेशियल फीचर्स जो है वो आपको याद रखने हैं लिप्स भी ऐसे कोव वाले लिप्स हैं इस वाला जो चैप्टर है इसमें आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेंटिंग है ऑफ इस है जो आपका वो सबसे पहला आपका है डिसेंट ऑफ गंगा एंड इसी के साथ साथ आपको जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो आपको त्रिमूर्ति या फिर लक्ष्मी नारायण में से आ सकता है करते तो हैं आपका कि मदर एंड चाइल्ड के ऊपर या आपका इस चैप्टर का लास्ट स्कल्पचर होगा ठीक है सबसे पहले अगेन आप वो सारे के सारे सात पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो लिख दोगे जो आपको मैंने ऑलरेडी टैबर फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए हैं ठीक है अब फिर यहाँ पे आप आओगे कि आपको इसके बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन देना है डिस्क्रिप्शन कैसे देना है कि भाई जो मदर है ना वो एक छोटे से स्मॉल लॉयन पे बैठी हुई है, हैं याली के ऊपर ये अगर आप लॉयन पे फोकस करोगे तो यहाँ पे याली के ऊपर बैठी हुई हैं जो मदर है वो इसी के साथ साथ वो पद्मासना पोजिशन में बैठी हुई हैं पदमाशना ऐसे पोजिशन में बैठी हुई हैं एंड जो उनके जो गार्मेंट्स है वो एक लेग पे ही है ये जो गार्मेंट आप देख रहे हो खाली एक लेग पे ही जो है वो हमें दिखाई दे रहा है और काफी उस पर से फ्लॉलर से ऐसे पैटर्न्स बनाए हुए अगर आप उस पर फोकस करोगे भी फ्लॉलर से ऐसे पैटर्न्स वगैरह बनाए हुए हैं फिर इसी के साथ साथ उनके जो लोटस बर्ड है वो ऐसे उनके जो हेड पे आ रहे हैं ये लोटस बर्ड है लो जो उनके से हेड पे आ रहे हैं और ऐसे एक सा बना रहा है सेमी सर्कल है ना तो ऐसे हालोसा बना रहे हैं और फिर इनके बाद अब इनके फेशियल फीचर्स पे फोकस करते हो तो इनका राउंड फेस फीचर है फिर इनके फिर ऐसे डिफाइंड आईब्रोज हैं एंड इसी के साथ साथ तो आग ब्राउज एलोंगेटेड आइज़ हैं वो सब दिखाए गए हैं फिर जो छोटा सा चाइल्ड ऑफ साइड में देख रही हो इनके बारे में भी बता थोड़ा सा कि वो मदर के वो ऐसे लैप्स पे बैठे हुए हैं छोटा सा बच्चा और इसके साथ साथ तो वो मदर को देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे प्यार भरी निगाहों से जो है मदर को देख रहे हैं एंड इनके फेस पे भी जो छोटा सा बच्चा है इसके फेस पे भी गिर रहा है ऊपर से लोटे बट ठीक है तो विद आपका ये वाला स्कर्व भी कंप्लीट हो गया मैंने आपके लिए बिल्कुल एज इट इज सिंपल और इजी बनाने के लिए सारे जो पॉइंट्स थे वो आपको मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए ठीक है सो विद दिस आपका ये वाला चैप्टर का जो पार्ट है पार्ट वन वो कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका दैट इज़ फॉर योर इंडियन के ब्रोन्स कल्चर्स के बारे में जिसमें आप इसमें आपको सॉलिड कास्टिंग टेक्निक्स और हॉलोड कास्टिंग टेक्निक्स आपको याद करना ज़रूरी है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी और उसी चैप्टर में आएगा आपका नटराज के बारे में भी जिसमें आपको लाइक याद करना ही करना है लाइक उसको तो छोड़ना नहीं है जैसे एंडर साइड सिविलाइजेशन को नहीं छोड़ा था वैसे उसको भी नहीं छोड़ना है ठीक है सो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है कुछ पूछना हो कुछ बताना हो सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन अगर आप एग्जाम से तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड टेक केयर एंड बाय बाय